ये भी आपकी इस इलाके में बहुत बड़ी देन है। अभी मालवी वासियों ने सारे ब्राह्मण मेनारियों ने इंग्लिश माध्यम स्कूल की मांग की थी, वो भी यहाँ बना दी। गहलोत साहब ने आपके अस्थाई पानी की व्यवस्था की है, मानसी राकल का पानी आपको दिया है। खेमराज जी कटारा थे एमएलए और अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे तब। दूसरी बार गहलोत साहब बने, आपको देवास की योजना दी यहाँ पर, और उदयपुर वासियों की आज जिले भरी रहती हैं जो पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ का पर्यटक और यहाँ का पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। यहाँ के हमारे सारे लोगों को रोजगार मिला है। इतने सारे काम देने के बाद आप में शहर के हमारे यहाँ के सारे कार्यकर्ता और यहाँ के जनता उपस्थित है। मैं कहना चाहती हूँ, सारा काम कांग्रेस की सरकारों ने किया, गहलोत साहब ने किया, फिर ये वार्ड क्यों पिछड़ रहे हैं? आप अभी वक्त आया है, गहलोत साहब का कर्ज उतारे और हमारे दोनों प्रत्याशी को यहाँ भारी मतों से जिताए। इसके अलावा पूरे देश में 4-5 संस्थाएं हैं, IIM, वो भी गहलोत साहब ने उदयपुर में दी। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप सब भूल ना करें, इधर इधर वोट बिगाड़ के सरकार हमारी बन रही है। गहलोत साहब फिर से आपके बीच में आएंगे, फिर बहुत नामालूम कितनी योजना आपको देंगे जिससे हमारे जीवन में काम आएगी। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ, समय भी बहुत हो गया है, गहलोत साहब को हमको सुनना है। आप सब यहाँ पधारे, आपका धन्यवाद। गहलोत साहब का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।